पाठशाला में आज आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या किया जो मंदी भारत को छू नहीं पाएगी, ये कहा जा रहा है। ऐसा क्या जादुई काम कर दिया उन्होंने। इसके अलावा विपक्ष का लंकाई झूठ कैसे एक्सपोज हुआ है वो भी बताऊंगा। अदालत ने आज वही चेतावनी दे दी जो मोदी दे रहे थे, उसके बारे में भी बात होगी। इसके अलावा स्कूल में संडे को नहीं जुमे को छुट्टी का चैप्टर खोलूंगा। राजनीति के सबसे खतरनाक हथियार की क्लास भी लेकर आया हूं। काटो छांटो और बांटो का पॉलिटिकल खेल क्या चल रहा है वो भी बताऊंगा। आप जिस सड़क पर चल रहे हैं वो सड़क कितने दिन चलेगी जरा ये भी समझेंगे आज। लेकिन सबसे पहले पाठशाला में इकोनॉमिक्स की क्लास, जिसमें भारत को मंदी प्रूफ बनाने का चैप्टर। एक बड़ी सिंपल सी बात कही जाती है कि घर में अगर कोई संकट आ जाए, कोई विपदा आ जाए, तो परिवार के हर जिम्मेदार सदस्य की भूमिका यह होती है कि कम से कम जब तक संकट पूरी तरह से खत्म ना हो जाए तब तक कोई 3-5 ना करे। मतलब कोई ऐसा खेल ना करे जिससे परिवार को ही नुकसान। लेकिन जिस देश रूपी परिवार में हम रहते हैं वहां विपक्ष रूपी सदस्य हर संभव 3-5 कर रहा है कि कैसे सत्ता मिल जाए बस। और आज के हालात से ऐसा ही लगता है कि यह लगातार होता ही रहेगा। और इसके अनेकों उदाहरण में से एक उदाहरण है कि भारत नरेंद्र मोदी की खराब आर्थिक नीतियों की वजह से श्रीलंका की तरह बर्बाद होने वाला है, यह पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हमने आपको पाठशाला में बताया था कि कैसे सारे पैरामीटर्स जो हैं वो भारत की तरक्की की गवाही दे रहे हैं और उसकी बर्बादी की बात नहीं कर रहे। भाई जैसे आप बीमार हो गए, डॉक्टर क्या करेगा? ब्लड टेस्ट करेगा, देखेगा अरे ठीक है भाई आपका किडनी का टेस्ट ठीक आ रहा है, आपका जो लिवर है ठीक काम कर रहा है, हार्ट ठीक चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ है, बीपी ठीक आ रहा है, सब पैरामीटर ठीक है। और कोई आपको कहेगा कि तुम्हारा बस जाने का समय आ गया, तो कैसे विश्वास कीजिएगा जब सब कुछ ठीक चल रहा है। वैसे ही अर्थव्यवस्था के पैरामीटर्स अगर ठीक दिख रहे हैं तो कैसे मान लें कि विपक्ष ठीक कह रहा है कि श्रीलंका भारत बन जाएगा। और हमने पाठशाला में जो आपको बारीकियां बताई आज उसी पर एक और मुहर लग गई, और उस मुहर लगाने वाले रिपोर्ट के बारे में आज आपको बताऊंगा कि कैसे भारत अगले 1 साल में वो करेगा जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाएगा, अमेरिका और चीन तक नहीं कर पाएंगे। दरअसल ब्लूम्सबर्ग ने दुनिया के कई देशों के, इस पर आपको जानकारी देता हूं, ये आपको देखना चाहिए, ब्लूम्सबर्ग ने दुनिया के कई इकोनॉमिस्ट जो हैं उनसे एक सर्वे कराया कि दुनिया में जो जितने देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है और क्या वहां मंदी आएगी। इस रिपोर्ट में, जो ब्लूम्सबर्ग की रिपोर्ट है, इसमें अगर आप देखेंगे इसमें मंदी आने की आशंका किस देश के लिए कितनी है इसको जांचा गया, परखा गया। अब इसमें भारत के लिए कहा गया है कि भारत में मंदी आने की जो आशंका है वो है 0%। मतलब भारत में मंदी नहीं आएगी, ये दुनिया भर के जानकार कह रहे हैं कि भारत में जो पैरामीटर्स हैं वो ऐसे सेट चल रहे हैं कि भारत में मंदी नहीं आएगी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि ग्लोबल मंदी का कोई असर नहीं होगा। ये उस भारत की बात कर रहा हूं जहां के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के लिए कहा जाता रहा कि इनको कुछ नहीं आता, ना विदेश नीति आती है ना अर्थव्यवस्था आती है, सब जीरो है, ये कर दिए वो कर दिए। उस अर्थव्यवस्था में हालत यह है कि मंदी भारत को छू नहीं पाएगी। वो मंदी भारत को छू नहीं पाएगी जो बड़े इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह के वक्त दुनिया में आई थी तो भारत को छू कर गई थी, लेकिन इस बार भारत को नहीं छू पाएगी। और कहते हैं मोदी को कुछ नहीं आता, लेकिन इस रिपोर्ट में दुनिया के बाकी देशों के लिए क्या कहा गया आप जरा देखिए। श्रीलंका की हालत सबको पता है कि क्या बर्बादी हो रही है, वहां के लिए कहा गया कि 85% चांस है कि मंदी आ जाएगी। अमेरिका के लिए, यूएस के लिए 40% चांस बताया गया है कि अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी के गड्ढे में गिर जाए। इसके अलावा न्यूजीलैंड, उसके लिए कहा गया है कि वहां 33% चांस है कि मंदी आ जाएगी। साउथ कोरिया एसके, उसके लिए कह रहे हैं 25% चांस है कि वहां पर मंदी आ जाएगी।
जापान, जापान के लिए कह रहे हैं यहां भी 25% चांस है कि मंदी जापान को तबाह करेगी। इतना ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के लिए भी कहा जा रहा है कि 20% चांस है कि चीन भी बर्बाद होगा अर्थव्यवस्था की चपेट, मंदी की चपेट में आकर। ऑस्ट्रेलिया के लिए 20%, पाकिस्तान के लिए कितना कह रहे हैं 20% कि पाकिस्तान में भी मंदी आएगी। हालांकि ये तो वैसे ही कटोरा लेकर घूमते हैं, लेकिन उस कटोरे में भी कुछ बचेगा नहीं ये कहा जा रहा है। मलेशिया के लिए 13%, थाईलैंड में मंदी आने के चांस है 10%। और अगर ओवरऑल आप एशिया को देखिएगा, एशिया महाद्वीप जहां हम रहते हैं, भारत है, एशिया के लिए, एशिया के देशों के लिए चांस बताया गया है कि 20-25% चांस है कि एशिया के सारे देशों में मंदी अपना असर दिखाएगी अगले एक साल के अंदर। लेकिन भारत के लिए क्या है आंकड़ा, उसी एशिया में रहते हुए 0%। यूरोप के लिए कहा गया है कि वहां चांस है कि 50-55% मंदी आने के आसार हैं यूरोप के देशों में। और अमेरिका का आपको बता दिया कि 40% चांस है अमेरिका का। मतलब यह रिपोर्ट कहती है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा देश हो, बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था हो, सुपर पावर हो या चिन्नू मुन्नू दोस्त देश हो, सब जगह मंदी जो है वो अपना इंपैक्ट छोड़ेगी अगले एक साल में, इसके आसार हैं। सिर्फ एक लौता हमारा भारत है जहां 0% चांस है कि मंदी आएगी। और ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि जहां का विपक्ष कहता हो कि भारत श्रीलंका बन जाएगा, उसको दुनिया कह रही है कि इसको मंदी छू नहीं पाएगी। फर्क देख रहे हैं, अपने यहां के लोग क्या कहते हैं और बाहर के जो जानकार हैं वो क्या कहते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि भारत में मंदी नहीं आएगी। भारत पर इस विश्वास और भरोसे की वजह भी क्या है वो भी आपको बता दूं। पैरामीटर्स जो आपको बता रहा था कि भारत की जीडीपी के ग्रोथ रेट का अनुमान 8.7% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $572 बिलियन है, जो दुनिया में 5वें नंबर पर है। भारत का गोल्ड रिजर्व 744 टन पर है, जो दुनिया में 10वें नंबर पर है। ये वो पैरामीटर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि भारत मंदी के गड्ढे में नहीं गिरेगा। भले हमारे यहां का विपक्ष चाहे कि कुछ ऐसा हो कि वहां कुर्सी मिल जाए, लेकिन वो हालात नहीं ना बॉस। इसके लिए देश को क्यों ताक पर रखना, देश में भ्रम और झूठ और डर क्यों फैलाना। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था पर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF का कहना है कि अपनी सही नीतियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। कोविड की चुनौतियों के बाद भी भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। IMF को लगता है कि भारत ने जो नीति अपनाई है वो बेहतर चल रही है, हमारे यहां के लोगों को नहीं लगता। और भारत की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। IMF ने ग्लोबल इकोनॉमी के ग्रोथ रेट का जो ताजा अनुमान लगाया है उसमें भी जो हालात बने हैं उसके बावजूद अगर आप देखेंगे दुनिया में मंदी की बात चल रही है। IMF की ग्रोथ रेट के आंकड़े, IMF के ग्रोथ रेट के आंकड़े आपको दिखा रहा हूं कि किस देश में कैसा विकास दर रहेगा। यह उस दौर में है जब दुनिया में कहा जा रहा है मंदी होगी। भारत अभी भी टॉप पर है, 7.4% भारत की ग्रोथ रेट बताइए लेटेस्ट रिपोर्ट में IMF ने। स्पेन के लिए बताया 4%, मतलब लगभग थोड़ा भारत से, आधे से थोड़ा ज्यादा। चाइना, एक और बड़ी अर्थव्यवस्था, उसकी ग्रोथ रेट कितनी बताई IMF ने, मात्र 3.3%, भारत के आधे से भी कम। ब्रिटेन, एक और बड़ा देश, बड़ी अर्थव्यवस्था, इसकी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, 3.2% IMF कह रहा है। US के लिए तो कह रहा है 2.3% पर ग्रोथ रेट रहेगी। फ्रांस के लिए कह रहा है 2.3% पर ग्रोथ रेट रहेगी, ये IMF का लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं। जापान के लिए कह रहा है 1.7%, मतलब ये तो 2% पर भी नहीं पहुंच रहे। और जर्मनी के लिए, ये सब जगह पॉइंट है, जर्मनी के लिए कहा जा रहा है कि वहां पर ग्रोथ रेट रहेगी 1.2%। ये देख रहे हैं आप, तो जहां दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं, बड़े बड़े देश
3% का आंकड़ा जो है वो एवरेज में क्रॉस नहीं कर पा रहे, वहां भारत 7.4% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगा और हमारे यहां लोग कहते हैं श्रीलंका बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर डर भरो, पैनिक क्रिएट करो इसके लिए। ठीक है, दुनिया भर में मंदी आएगी, चीजें हो सकता है उसका इंपैक्ट यहां पड़े, कुछ स्लो डाउन हो जाए, और उसी स्लो डाउन के बारे में शायद IMF बात कर रहा है कि 8.3% से 7.4% किया, लेकिन मंदी नहीं आएगी। अब आप कहेंगे मंदी और उस मंदी का असर पड़ने का फर्क क्या है? बंगाल में जैसे साइक्लोन आएगा, तो बंगाल में साइक्लोन आया तो सबसे ज्यादा तबाही कहां होगी? बंगाल में होगी। लेकिन हो सकता है कि उसकी जो हवाएं हल्की फुल्की चलती आएंगी उसका भारत के दूसरे या पश्चिमी हिस्से में हो सकता है कुछ असर पड़े, वहां हो सकता है बारिश हो जाए, वहां हो सकता है थोड़ी तेज हवाएं चल जाएं, लेकिन वहां तूफान नहीं आएगा। वैसे ही दुनिया में मंदी आएगी लेकिन भारत में तूफान नहीं आएगा मंदी का, यह कहा जा रहा है। अब आप देखिए दुनिया महंगाई से जूझ रही है लेकिन भारत ने इतने चैलेंजिंग टाइम में भी महंगाई को कंट्रोल किया हुआ। आप सुन रहे ना, विपक्ष कह रहा महंगाई है महंगाई है महंगाई है, यह वो विपक्ष कह रहा है जिनके UPA के 10 साल के कार्यकाल में 10% के ऊपर महंगाई चली गई थी। आज जब दुनिया महंगाई से बाप बाप कर रही है, इतनी तबाही मची हुई है, तब इंडिया की हालत क्या है? देखिए रूस में महंगाई दर कितनी है? करीब 16%। ब्राजील में महंगाई दर है करीब 12%। ब्रिटेन में महंगाई दर 45-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ के 9.4% पर है, कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमेरिका में महंगाई दर 9.1% है, वहां पर हालत यह है कि बैंकों ने जो है वो रेट्स बढ़ा दिए हैं। ये जो आप डॉलर की कीमत में उछाल देख रहे हैं, रुपया उस हिसाब से कमजोर नहीं हो रहा है जितनी दुनिया की करेंसीज कमजोर हो गई हैं डॉलर के मुकाबले। ये डॉलर मजबूत हो रहा है क्योंकि भैया वहां पर रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, लोग पैसा निकाल रहे हैं, उधर जो है डॉलर इसलिए महंगा हो रहा है, मजबूत हो रहा है। जर्मनी में महंगाई दर 7.6% है और भारत में महंगाई दर कितनी है? 7%। और ग्लोबल महंगाई जो रहेगी वो 6.7% रहेगी और हम 7% पर हैं, और इसके और धीरे धीरे नीचे जाने के आसार दिख रहे हैं। उसके बावजूद कहा जाता है दुनिया में तबाही के बावजूद भारत डट कर खड़ा है, लेकिन भारत के इस डट कर खड़े रहने में सुकून की बजाय पॉलिटिक्स ढूंढी जाती है, उसमें जबरदस्ती झूठ फैलाया जाता है। इन देशों के मुकाबले भारत में महंगाई दर कम है और यह भी कारण है कि भारत में मंदी आने की आशंका 0% रखी गई है। अमेरिका और चीन जैसे देशों में मंदी की आशंका के बीच भारत के अर्थशास्त्रियों का क्या कहना है वो भी सुनिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस का कहना है कि अमेरिका में मंदी के कारण भारत का ग्रोथ रेट थोड़े समय के लिए कुछ कम हो सकता है, लेकिन इससे मंदी नहीं आएगी भारत में। अमेरिका और यूरोप पर निर्भरता के कारण वैश्विक कारोबार धीमा हो सकता है, लेकिन कई जानकार यह भी कहते हैं कि इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। हो सकता है कच्चा तेल सस्ता हो जाए, और अगर कच्चा तेल सस्ता हो गया मंदी के इस दौर में तो भारत में कई कमोडिटी जो है वो सस्ती हो जाएंगी और भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि मंदी होती क्या है, इससे नुकसान कैसे होता है। अगर किसी देश की GDP में लगातार 6 महीने तक गिरावट आती है तो इस दौर को मंदी कहते हैं। अगर 6 महीने में किसी देश की GDP 10% से ज्यादा गिरती है तो उसे महामंदी कहते हैं। मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था थम जाती है, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, कंपनियों का व्यापार घाटा जाता है, सामानों की कमी के कारण महंगाई बढ़ जाती है। 2008 में आई वैश्विक मंदी के दौरान यह सब हुआ था, आपको याद होगा, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। लेकिन सवाल यह है कि जिन नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया कि उनको कुछ नहीं आता, ना विदेश नीति आती है, ना अर्थव्यवस्था संभालनी आती है, ना सरकार चलाने आता है, न लोगों के लिए कुछ करते हैं, फिर भी वो चुनाव जीत रहे हैं, वो भी बड़े मैंडेट से जीत रहे हैं और देश भी आगे बढ़ रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये जो मंदी प्रूफ भारत की इकोनॉमी बताई जा रही है, ये कैसे हो रही है? जरा आपको इसके बारे में बताता हूं कि ये हो कैसे रहा है। देखिए इसके कुछ आंकड़े, कुछ एनालिसिस अगर आप करेंगे तो एक तो जो नरेंद्र मोदी ने भारत की मार्केटिंग की, अगर आप देखेंगे, जो मैं हमेशा कहता हूं, कहा जाता है नरेंद्र मोदी जाते हैं और वो बताते हैं वहां जाकर कि भाई देखो भारत में ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है, पहले ये नहीं होता था। वो दरअसल भारत की मार्केटिंग करते हैं ताकि ये जो आप देख रहे हैं आज की तारीख में विदेशी निवेश भारत में भर भर कर आ रहा है, 2013 के मुकाबले डबल हो रखा है,
वो इसीलिए हो रखा है क्योंकि दुनिया को यह दिख रहा है कि यही वो मार्केट है जहां पैसा लगाएंगे तो दो का चार करके जाएंगे, क्योंकि यहां व्यवस्था और बेहतरी हो चुकी है। और इससे जो निवेश बढ़ा 2021-22 में भारत में, 2021-22 में जो भारत में निवेश आया वो 6,62,000 करोड़, ये विदेशों से निवेश आया 6,62,000 करोड़ का। किस लिए आया? क्योंकि आप जाकर दुनिया को बता रहे हैं कि आओ हमारे यहां, यही वो जगह है जहां आपको बिजनेस करना चाहिए। इसके अलावा बिजनेस आसान बनाया। पहले भारत में बिजनेस करने से लोग जो है वो घबराते थे, इतनी लाल फीताशाही थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग सुधरी 2014 में, भारत की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग थी वो 190 देशों में 142 रैंक था। ये आपको 2014 का बता रहा हूं, 142 रैंक। और 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी हो गई, 63 रैंक पर हम आ गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो दुनिया ने आकर पैसा लगाया, वही पैसा आज आपको मंदी प्रूफ बना रहा है क्योंकि आपके पास विदेशी मुद्रा का भंडार है। हर विदेशी दौरे पर गए तो भारत पर में निवेश लाने के लिए प्रधानमंत्री ने जोर दिया लगातार। आप देखेंगे हम लोग गए ना, प्रधानमंत्री का दौरा कवर करने, अमेरिका जाइए, दूसरी जगह जाइए, प्रधानमंत्री भारतीय डायस्पोरा से तो मिलते ही हैं। वहां जितने निवेशक हैं, सीईओज हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं कि आप हमारे यहां क्या निवेश कर सकते हैं, अच्छा क्या जरूरत है बताइए, हम आपको वो सुविधा देंगे, भारत में लगाइए, भारत में फैक्ट्री लगाइए, सब कीजिए। तो वो आज भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा है, भ्रष्टाचार कम किया, तो लोगों को लगा कि चलो यहां एक काम करने के लिए 4 रुपया अगर लगता है तो 4 ही रुपया देना पड़ रहा है, 50 रुपया नहीं खर्च करने पड़ रहा है। कोरोना का संकट काल आया तो पहले लोगों को बचाया फिर अर्थव्यवस्था को बचाया। उसमें भी लोग पॉलिटिक्स करते रहे, अरे ताली बजवा रहे हैं, थाली बजवा रहे हैं। आज ताली थाली बजाने के बाद जिंदा बच्चे हैं ये इंपॉर्टेंट है, वरना उस दौर में बताया ये गया था कि अगर वो लॉकडाउन नहीं लगता तो करोड़ों जिंदगियां जाती, और बाद में अर्थव्यवस्था को बचाया गया। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए लगातार कदम उठाए गए, और ये सारी चीजें हुई हैं तब जाकर आज भारत मंदी प्रूफ हो सकता है ये दुनिया कह रही। लेकिन हमारे यहां तो श्रीलंका बना रहे हैं। हां, श्रीलंका बनाने की बात जो है उसकी एक चिंता है, और वो कैसे है अब आपको वो भी बताता हूं। जो लोग भारत के श्रीलंका बनने की बात कह रहे थे वो समझ ले कि भारत ना तो श्रीलंका बनेगा ना ही भारत में मंदी आने की संभावना फिलहाल दिख रही है। हालांकि भारत के लिए एक चिंता का कारण है जिसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। मुफ्त वाली राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है और चुनाव के दौरान पार्टियों को मुफ्त के वादे करने से रोकने का उपाय खोजने के लिए कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि ये मुफ्त वाली, फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स जो है ये देश के लिए खतरा हो सकती है, भैया इसको रोकने का क्या उपाय है। पीएम मोदी तो कह ही रहे थे, तब लोगों को बुरा लग जा रहा था कि हमको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि हम तो लोगों को फ्री में दे रहे हैं। अरे भैया फ्री में देना बुरा नहीं है, कैसे दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है और कहां दे रहे हैं। मुफ्त वाली राजनीति पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने मुफ्त वाले कल्चर पर बयान भी दिया था, एक बार वो सुनाता हूं और फिर बताता हूं कि ये चिंता क्यों है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे, हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को। प्रधानमंत्री जो कह रहे थे वही सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई। दरअसल भारत में मुफ्त वाली राजनीति यानी जिसे फ्रीबीज पॉलिटिक्स कहते हैं, इसका चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। बात आज की नहीं है, पहले भी होती थी। पहले तो दक्षिण में टीवी, फ्रिज, शादी का खर्चा उठाना, सोने के लॉकेट दे देना, बहुत कुछ चलता था। अब वो अलग लेवल पर चला गया है।
और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए केंद्र से इसका समाधान खोजने के लिए कहा। मुफ्त के वादों को पूरा करने के चक्कर में राज्य सरकारें कर्ज लेती हैं, जिसके कारण कई राज्यों की आर्थिक हालत खराब हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्टेट फाइनेंसिस रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में किस राज्य में अपनी जो स्टेट जीडीपी होती है, राज्यों की जो जीडीपी होती है, उसकी तुलना में कितना कर्ज है, आप देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये मुफ्त वाली पॉलिटिक्स कितनी खतरनाक हो सकती है। पंजाब की जो जीडीपी है उसका 53.3% कर्ज है, राजस्थान की जीडीपी का करीब 39.5% कर्ज है, बिहार की जीडीपी का करीब 38% कर्ज है, केरल में जो उनकी जीडीपी है उसका 37% कर्जा है, उत्तर प्रदेश में करीब 35% है, बंगाल में भी करीब 34.5%, झारखंड का 33% है और आंध्र प्रदेश का 32.5%, मध्य प्रदेश का 31.3% और हरियाणा की जीडीपी का करीब 29.5% कर्ज है। ये राज्य अपनी कुल कमाई के लगभग एक तिहाई कर्जे में है, यानी ऐसी हालत है कि जितनी सैलरी आती है उसका एक तिहाई से ज्यादा ये लोग जो है वो कर्जा चुकाने में चला जाता है, उतना तो कर्जा है, लेकिन फिर भी पार्टी करेंगे तो घर चलेगा कैसे? जितना कमाते हैं उसका एक तिहाई कर्ज है। भारी कर्ज में डूबे इन राज्यों पर देश का कितना पैसा खर्च होता है वो भी आपको बताता हूं। इसका जिक्र आरबीआई की रिपोर्ट में, देश के कुल खर्च का 50% हिस्सा इन 10 राज्यों पर खर्च होता है और देश के एक तिहाई राज्यों पर 50% खर्च होता है। रिजर्व बैंक की यह रिपोर्ट 2021-22 की है और उस समय पंजाब विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे, यह भी थोड़ी क्लैरिटी दे दो। लेकिन अगर कर्ज लिया है तो उन पर ब्याज भी देना पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये राज्य अपनी कमाई का कितना हिस्सा ब्याज पर खर्च करते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। पंजाब अपनी कमाई का करीब 21.3% कर्ज के ब्याज चुकाने पर खर्च करता है, राजस्थान 21% ब्याज चुकाने पर खर्च करता है, हरियाणा अपनी कमाई का करीब 23% ब्याज चुकाने पर खर्च कर देता है, बंगाल 21% के करीब, केरल करीब 19% ब्याज चुकाने पर खर्च करता है। इसीलिए यह फ्रीबीज को लेकर देश में चिंता का विषय बना हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्त के वादों, पेंशन, वेतन और इंटरेस्ट पर यह राज्य अपनी कमाई का कितना हिस्सा करते हैं वो भी आपको जानना चाहिए। केरल अपनी कमाई का करीब 91% हिस्सा वेतन, पेंशन और मुफ्त के वादों पर खर्च कर देता है, लेफ्ट की सरकार है वहां। पंजाब 90% खर्च कर देता है अपने वादे पूरे करने या पेंशन पर या सैलरी देने पर। पश्चिम बंगाल भी 90% के आसपास है, राजस्थान वो भी 89% खर्च कर देता है इन चीजों पर, आंध्र प्रदेश 88%। जब मुफ्त के वादों को पूरा करने के लिए सारा पैसा ही खर्च हो जाएगा तो विकास के लिए क्या बचेगा? 100 रुपया कमा रहे हैं, 88 रुपया कर्ज चुकाने में और बाकी पेंशन देने और इसमें लगा दे रहे हैं, तो 10 रुपया 12 रुपया बचेगा तो क्या डेवलपमेंट कीजिएगा? आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इसको लेकर चिंता जताई, क्योंकि पंजाब में विकास के लिए अगर 100 रुपया है तो उसमें से बच पाता है मात्र 6.25 रुपया, क्योंकि बाकी तो सब खर्च हो गया। केरल में विकास के लिए 100 में से 8.20 रुपया बचता है, पश्चिम बंगाल में विकास के लिए 100 में से 10.30 रुपया मात्र बचता है, राजस्थान में विकास के लिए 100 में से 10.60 रुपया बचता है और आंध्र प्रदेश में 100 रुपये में से मात्र 11.36 रुपये बचते हैं विकास के नाम पर। तो देश को श्रीलंका नरेंद्र मोदी नहीं बना रहे, लेकिन उन पार्टियों की फ्री के जो वादे हैं ना, जो देख रहे हैं कि इतना इतना कर्जा है, उसके बाद फ्री में ये ले लो, फ्री में वो ले लो और सब ले लो, जिसको जरूरत है वो नहीं, जिसको नहीं भी जरूरत है वो भी ले लो, ये वाली पॉलिटिक्स गड़बड़ है। जिस मुफ्त के वादे यानी फ्रीबीज की बात कर रहे हैं वो दो तरह की होती हैं, पहला वोट और सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव के समय किए जाने वाले मुफ्त के वादे, और जैसे फ्री बिजली, पानी, साइकिल, लैपटॉप, स्कूटी, टीवी, रेफ्रिजरेटर या कैश देना, और दूसरा जो सही में जरूरतमंद हैं, गरीब हैं या किसी आपदा से प्रभावित हैं उनको मुफ्त में जरूरी सहायता देना, जैसे कोरोना काल में मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन, बाढ़ के दौरान राहत देना, फसल मुआवजा देना, ये चीजें। आरबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हर फ्री भी खराब नहीं है, लेकिन जो आप फ्री भी दे रहे हैं जिसको जरूरत नहीं भी है उसको भी दे रहे हैं। मान लीजिए आपने कह दिया कि आप महिलाओं को 1000 रुपया देंगे,
अरे भाई जो घर बड़े घर की महिलाएं हैं जो कमाती हैं उनको 1000 रुपए की नहीं भी जरूरत है लेकिन आप देंगे तो उसका बोझ तो राज्य के ऊपर ही आएगा ना, और राज्य ऑलरेडी कर्जे में चल रहा है। कई राजनीतिक दल चुनावी फायदा लेने के लिए मुफ्त के वादे करते हैं, इसका असर राज्य की आर्थिक सेहत पर पड़ता है। इसी साल अप्रैल में पीएम मोदी के साथ सचिवों के साथ बैठक हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि देश के कई राज्य मुफ्त के वादों को पूरा करने के चक्कर में भारी कर्ज में हैं, और अगर यह बंद नहीं हुआ तो इन राज्यों का हाल भी श्रीलंका जैसा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी कल्चर पर निशाना साधा तो उसके बाद बीजेपी ने अपनी राज्य इकाइयों को निर्देश दिया कि चुनाव के समय मुफ्त के वादे करने से परहेज कीजिए। इसीलिए देश का पैरामीटर तो अभी ठीक दिख रहा है लेकिन पॉलिटिकल पैरामीटर अगर नहीं सुधारा गया तो अल्टीमेट नुकसान देश को ही उठाना पड़ेगा। पाठशाला में अब एजुकेशन सिस्टम को धार्मिक चोला पहनाने वालों की क्लास। हम सब स्कूल में पढ़े, प्रार्थना तो सुबह असेंबली में होती थी लेकिन कई स्कूलों में प्रार्थना के वक्त संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया जाता है जिसमें हमें समानता के बारे में भी बताया जाता है, यह भी याद होगा। लेकिन बिहार के किशनगंज से एक रिपोर्ट आई कि वहां एक दो नहीं बल्कि 37 स्कूलों में अब संडे की जगह शुक्रवार यानी जुमे के रोज छुट्टी हो रही है। सवाल उठा कि इसका आदेश कहां से आया भाई, ये देशभर में स्कूल में छुट्टी संडे को होती है, जुमे के दिन छुट्टी कहां से होने लगी, आखिर सरकारी आदेश को किसने बदल डाला। आज आपको इन सवालों के जवाब देता हूं। पहले अपने टीवी स्क्रीन पर उन स्कूलों की लिस्ट देख लीजिए जो शुक्रवार को बंद रहते हैं। किशनगंज जिले में ऐसे कुल 5 प्रखंड यानी ब्लॉक हैं और इन 5 ब्लॉक में 37 स्कूल हैं जहां रविवार की बजाय अब शुक्रवार को यानी जुमे को छुट्टी होती है। इनमें किशनगंज ब्लॉक में 6, पोठिया ब्लॉक में सबसे ज्यादा 15, बहादुरगंज में 2, ठाकुरगंज में 2 और कोचा धामन प्रखंड में 9 स्कूल। सवाल यह है कि रविवार की जगह शुक्रवार को स्कूल बंद करने का आदेश कहां से आया, यह परंपरा शुरू कैसे हो गई। इन सवालों को लेकर जब हमने थोड़ी पड़ताल की तो स्कूल के टीचर से बात की, शिक्षकों ने जो कहा पहले वो सुनिए। छुट्टी इस स्कूल में जुमा के दिन है, जुमा के दिन मतलब पूरे बिहार में होता है छुट्टी और इसमें जुमा को क्या कारण? ये छुट्टी चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ 100% जो बच्चे हैं वो मुस्लिम हैं, ये पूर्व नियोजित छुट्टी है, पहले से ही होती आ रही है। हम लोग यही जान रहे हैं कि यहाँ फ्राइडे को ही छुट्टी है। क्या कोई सरकारी आदेश भी है इसमें? क्या सरकारी आदेश का तो मुझे पता नहीं लेकिन पूर्व नियोजित है और इसमें बीएसएस के लोग पहले निर्णय लिया करते थे चूंकि उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। फ्राइडे यानी शुक्रवार को बंद रहता है चूंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मुस्लिम कौम के ही माइनॉरिटी कौम के ही 100% है, तो पूर्व से ही शिक्षा समिति से ये मार्गदर्शन लिया गया है तो बच्चे 100% होने के कारण ये शुक्रवार ही बंद रखा गया और संडे को फिर पूर्ववत मैंने समारोह। शुक्रवार को छुट्टी तो कोई दिक्कत नहीं है चूँकि उस दिन नमाज उमाज पढ़ते हैं और नमाजी बच्चे और शिक्षक भी 99% सोचिए मुस्लिम कौम के ही, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो टीचर कह रहे हैं कि सब मुसलमान बच्चे हैं, टीचर भी मुसलमान हैं, इसलिए जो देश में परंपरा चली आ रही है संडे को स्कूल बंद होने की अब उसको जुमा के दिन कर दिया। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ सरकारी आदेश है या नहीं है हमको पता नहीं, और कह रहे हैं फैसला शिक्षा समिति का है। अब शिक्षा समिति ये फैसला ले सकती है नहीं ये आगे बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी बयान सुनवाता हूं। ये शुक्रवार बंदी विद्यालय हमारे यहाँ काफ़ी परंपरागत तरीके से चल रहे हैं, चूँकि ये बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और किशनगंज का भी पूर्णिया जिला का अंग हुआ करता था एक ही डिस्ट्रिक्ट के अधीन, तो पूर्णिया डीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया है कि उस लेवल पे यदि कोई पत्राचार हुआ हो या कोई निर्देश जारी हुआ हो तो फिर हम आपको आगे बताने की स्थिति में होंगे। किशनगंज के एजुकेशन ऑफिसर भी कह रहे हैं कि स्कूलों में जुमे के रोज छुट्टी कई सालों से हो रही है यानी ये परंपरा का हिस्सा बन गया, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई क्यों हुई
ये किसी को पता नहीं। इसके लिए हमने किशनगंज की डेमोग्राफी का चैप्टर पलटा तो पता चला कि 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में करीब 68% मुसलमान थे, जबकि हिंदुओं की आबादी करीब 32-33% के आसपास थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब किशनगंज में मुसलमानों की अनुमानित आबादी जो है वो 80% है और हिंदू न करीब 19% बच गए। अब आपको एक बात और बता दूं कि 14 जनवरी 1990 से पहले किशनगंज पूर्णिया जिला का ही हिस्सा था और कहा जा रहा है कि 1990 से पहले ही पूर्णिया से यह आदेश आया था कि जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी 70% से ज्यादा है वहां स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी कर दी जाए। धीरे धीरे मुस्लिमों की आबादी और बढ़ती गई और ऐसे स्कूल की संख्या भी बढ़ती चली गई। तो कुल मिलाकर रिजल्ट यह निकल रहा है कि आबादी बढ़ी तो स्कूल के नियम बदल दिए गए, लेकिन मामला काफी ऊपर तक बढ़ चुका है, डिबेट होने लगी, चर्चा होने लगी, लिहाजा बिहार के शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए। ये सूचना अभी हाल ही में कुछ जगह से आई है तो हम लोगों ने डीओ से जहां जहां ऐसी सूचना मिली है अभी तक हम लोगों ने वहां के डीओ से जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहां क्या स्थिति है, कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से छुट्टी रहती है। और हम लोग जब प्रतिवेदन आ जाता है अकॉर्डिंगली उस हिसाब से, लेकिन जो नियम संगत होगा, जो सही वैधानिक चीज होगी वही होगा। यानी शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं बिहार के कि वो अभी जानकारी ही जुटा रहे हैं, लेकिन चला आ रहा है और सालों से चला आ रहा है, इसलिए चला आ रहा है ये भी कहा जा रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जहां जिसकी आबादी बढ़ेगी उसके हिसाब से स्कूल में कल्चर चलेगा, क्योंकि स्कूल में तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो जाता नहीं, वहां तो बच्चा जाता है। और ये इस तरह का पहला मामला भी नहीं है। झारखंड में मुसलमानों की बड़ी आबादी वाले जिलों के 100 से अधिक सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश होता है। यहां भी दलील वही दी गई कि स्कूलों में ज्यादातर बच्चे मुसलमान हैं जिन्हें शुक्रवार को नमाज पढ़ना होता है, इसलिए जुमे के रोज स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। झारखंड के ही एक स्कूल में हमने देखा था कि मुस्लिम छात्र वहां हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ मोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। ये तस्वीरें हैं कि छात्र जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे वो बिना हाथ जोड़े, छोटे छोटे बच्चे, हाथ मोड़कर पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना के समय हाथ बांधकर मौन खड़े होते हैं। भाई हमारे स्कूल में भी हमारे साथ मुस्लिम साथी पढ़ते थे, हमने तो कभी नहीं देखा कि भाई वो हाथ नहीं जोड़ें, वो प्रार्थना ना पढ़ें, ये नहीं होता था। ये नई व्यवस्था देख रहे हैं कि हाथ नहीं जोड़ेंगे और ये बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है। जुमे को छुट्टी दीजिएगा, हाथ नहीं पढ़ जोड़ सकते हो, तुम्हारे धर्म में ऐसा, ये कौन भाई, कितने कोई मुसलमान जीवन में कभी हाथ नहीं जोड़ता है। ये विषय वाकई चिंता बढ़ाने वाले हैं कि धर्म के आधार पर स्कूलों में छुट्टी हो रही है, मुस्लिम बहुल स्कूलों में नियमों को लेकर भी मनमानी हो रही है और इन सबके पीछे दलील ज्यादा आबादी है। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में तो करीब 80% हिंदू हैं और 19% मुसलमान है, तो क्या मंगलवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी जाए कि मंगलवार को छुट्टी होगी क्योंकि इनको हनुमान जी के मंदिर जाना है बच्चों को। इसी तरह पंजाब में करीब 57% से ज्यादा सिख हैं तो वहां पर भी क्या धार्मिक आधार पर स्कूलों में छुट्टी होनी चाहिए। भारत के संविधान में भेदभाव रोकने के लिए लिखा गया है आर्टिकल 15 में कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। किशनगंज के जिन स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है उन स्कूलों में पढ़ने वाले दूसरे धर्म के छात्रों के साथ ये भेदभाव नहीं है। अगर वो वहां पढ़ना चाहे, मान लीजिए मेरा बच्चा पढ़ना चाहे या किसी और का पढ़ना भी चाहे, तो हो सकता है वो न डाले पढ़ने के लिए कि भैया यहाँ तो जुमे को छुट्टी होती है, पिताजी की छुट्टी संडे को होगी तो बच्चा और पिताजी तो साथ में वक्त ही नहीं बिता पाएंगे। अगर इसी तरह आबादी के आधार पर सब चलता रहा तो हो सकता है कि भविष्य में कॉलेज में भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का चैप्टर पढ़ाए जाने लगे। भाई अब कुछ लोगों को लगता था ना कि भाई उनको कॉलेज में हिजाब पहन के जाने देना चाहिए जबकि वहां सबके लिए नियम बराबर था। तो जिन बच्चों को आज आप पढ़ा रहे हैं कि ठीक है यहां 100% मुस्लिम बच्चे हो गए इसलिए फ्राइडे को छुट्टी होगी, बच्चे जीवन भर किशनगंज में नहीं पढ़ेंगे, ये कल को पढ़ने के लिए दिल्ली भी आएंगे, ये पटना भी जाएंगे, ये हो सकता है बॉम्बे भी जाएंगे, मुंबई भी जाएंगे,
तो वहां भी चूंकि इनके दिमाग में यही होगा, ये यही सोचेंगे कि इनके साथ अलग व्यवहार होना चाहिए, इनको अलग धार्मिक प्रिविलेज मिलना चाहिए। लेकिन स्कूल कॉलेज में तो धर्म देखा ही नहीं जाता है, तो फिर होगी समस्या खड़ी। फिर आगे जॉब करते वक्त धार्मिक आधार पर फैसले लिए जाने की उम्मीद रखेंगे, समाज में आसपास की हर चीज में धर्म के चश्मे से देखेंगे कि अगर हमारी आबादी ज्यादा है तो हमको तो यह मिलना चाहिए, स्कूल में तो मिलता था। जबकि स्कूल में सबके दिमाग में यही होना चाहिए कि सब बराबर हैं, सबके लिए व्यवस्था बराबर है, लेकिन यहां एक नई चीज ही देखने को मिल रही है। सरकारों को भी इस पर सोचना चाहिए। पाठशाला में अब राजनीति के सबसे घातक हथियार का चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 24 जुलाई को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में पीएम मोदी ने इस बात पर फक्र जताया था कि उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ काम करने का मौका मिला। आज रामनाथ कोविंद जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी का जवाब दिया और उन्होंने अपने निजी ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी के पत्र में मेरे लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो मेरे प्रति उनके प्रेम और आदर को दर्शाता है। पूर्व राष्ट्रपति ने इसके लिए धन्यवाद किया। पीएम मोदी की चिट्ठी और उस पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जवाब से इतना तो क्लियर है कि दोनों के रिश्ते अच्छे हैं, एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं और इसके पहले भी असम्मानित करने का कोई वाक्या तो दिखता नहीं, बजाय इसके कि 24 जुलाई को एक वीडियो वायरल कर दिया गया। यह वीडियो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के फेयरवेल का है और इस वीडियो में यह दिखाने की कोशिश की गई कि रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी को नमस्कार किया तो पीएम ने इसका जवाब नहीं दिया। देख रहे हैं, इसमें दिखाया जा रहा है कि कोविंद जी वहां गए और पीएम मोदी दूसरी तरफ देख रहे हैं। ये यहां से वीडियो शुरू हुआ और थोड़े 10 सेकंड बाद खत्म हो गया और इसी को पूरा वायरल कर दिया गया कि पीएम मोदी ने देखिए राष्ट्रपति को इग्नोर कर दिया। कई नेताओं ने ट्वीट किया, कांग्रेस के नेता रोहन गुप्ता ने ट्वीट किया, लिखा डोंट डिस्टर्ब। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ऐसा अपमान, बहुत सॉरी सर, ये लोग ऐसे हैं, आपका कार्यकाल खत्म हो गया, अभी आपकी तरफ भी नहीं देखेंगे। मतलब दलित राष्ट्रपति का अपमान कर दिया। लेकिन यह पूरा वीडियो नहीं था, अब आप इसी कार्यक्रम का पूरा वीडियो देखिए। इसमें रामनाथ कोविंद अभिवादन करते हुए पीएम मोदी के पास पहुंचते हैं, पीएम मोदी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हैं। यह है पूरा वीडियो जो अब आपको दिख रहा है, जिसमें रामनाथ कोविंद जी आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं और पीएम मोदी ने उनको नमस्कार किया। इसके बाद रामनाथ कोविंद वहां से आगे निकल जाते हैं, लेकिन कैमरे के एंगल से ऐसा लग रहा है कि रामनाथ कोविंद पीएम मोदी के सामने ही खड़े हैं। भ्रम फैलाने के लिए जानबूझकर वीडियो को एडिट करके बाद का हिस्सा लगा दिया गया और पहले जो प्रधानमंत्री ने उन्हें नमस्ते किया उसको हिस्से को छांट दिया गया कि पीएम मोदी देखो राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते, जबकि सच्चाई क्या थी वो अब आपके सामने। आज ये तस्वीर आपको क्यों दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको समझ में आए कि इस देश में पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा जबरदस्त कल्चर बन गया है, कहीं से कट करो, कहीं से इन आउट लगाओ और उतने हिस्से को वायरल करो और फिर वो जो हथियार है ना वो सोशल मीडिया पर धाएं 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 घूमता है और आप एक छवि बनाने की किसी भी नेता की जो कोशिश करते हैं उसमें कई बार पॉलिटिकल पार्टीज के जो सोशल मीडिया के योद्धा हैं वो कामयाब होते हैं। ये एक उदाहरण है, मैं आपको दूसरा उदाहरण दिखाता हूं और कई और उदाहरण दिखाता हूं कि कैसे इस वक्त देश में ये पॉलिटिकल हथियार इस्तेमाल हो रहा है, इधर से काटो उधर से काटो और वायरल करो। ये वीडियो जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह का है। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का रुमाल गिर गया तो पीएम मोदी ने खुद रुमाल उठाकर प्रतिभा पाटिल जी को दिया। अब जो पीएम अगर राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करने वाले होंगे तो पूर्व राष्ट्रपति का रुमाल उठाकर क्यों देंगे, गिरा गिरने दीजिए। और ये तो यूपीए के जमाने की राष्ट्रपति रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको वो रुमाल उठाकर, ये देखिए तस्वीर, रुमाल उठाकर दिया। पीएम मोदी के खिलाफ फेक और गलत संदर्भ में वीडियो वायरल करने का ये इकलौता मामला था। इससे पहले आपको याद होगा जापान में क्वाड मीटिंग का भी एक वीडियो वायरल किया गया, इसमें दिखाया गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी से हाथ नहीं मिलाया और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मिलते रहे, पीएम मोदी वहां इंतजार कर रहे लेकिन बाइडेन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये वीडियो वायरल किया गया था कि देखो प्रधानमंत्री की तो कोई इज्जत ही नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री की कोई इज्जत नहीं है, कोई उनसे हाथ नहीं मिला रहा, ये देखिए कि देखिए जो बाइडेन ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मिल लिए और नरेंद्र मोदी से नहीं मिले।
इसकी सच्चाई ये थी कि क्वाड मीटिंग से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, एंथनी अल्बनीज नए नए पीएम बने थे, बाइडेन से पहली बार उनसे उनकी मुलाकात हो रही थी, जबकि नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन पहले भी मिल चुके थे। इसलिए जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज से मिलने के लिए पहले हाथ में बढ़ाया, उन्हें पीएम बनने की बधाई दी। इसके बाद जो बाइडेन ने पीएम मोदी से दोनों हाथों से पकड़कर हाथ मिलाया, पीएम मोदी इस दौरान बोलते रहे और जो बाइडेन सुनते रहे। लेकिन वही राजनीतिक हथियार, इधर से कट लगाओ उधर से कट लगाओ और आधा अधूरा वीडियो वायरल करो, वो यहां भी इस्तेमाल किया गया इमेज को डेंट करने के लिए। आपको याद होगा कि जनवरी में पीएम मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ तकनीकी कारण से पीएम मोदी के वो बीच में अपना भाषण थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा, वो इधर उधर देखते हुए दिखे और फिर उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। इसमें भी एडिटेड क्लिप को वायरल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर विपक्ष नेता समेत कई लोगों ने लिखा कि पीएम मोदी तो टेलीप्रॉम्प्टर देखकर ही पढ़ रहे थे, टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया तो चुप हो गए, उसके बाद उनके मुंह से कुछ नहीं निकल पाया, ये तो ऐसे पीएम है जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल ही नहीं पाते। एक बार सुनिए उस वक्त क्या हुआ था, फिर आगे की बात बताता हूं। हम भारतीयों का टैलेंट जिस अब इसकी सच्चाई ये थी कि आयोजकों की तरफ से बाद में यह स्पष्ट कर दिया गया कि ट्रांसलेटर की आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो प्रधानमंत्री जो कह रहे थे वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा था, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पीएम मोदी को बीच में अपनी बात रोकनी पड़ी। वो देखने लगे कि क्या वाकई में कुछ गड़बड़ हो रही है कि उधर ट्रांसलेशन नहीं जा पा रहा है। जब समस्या ठीक हुई तो उन्होंने अपना भाषण आगे पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इसको दिखाया ऐसे गया कि नरेंद्र मोदी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के चार लाइन नहीं बोल पाते। इसी तरह से 2017 में पीएम मोदी और एंजेला मर्कल का एक कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इसमें दावा किया गया था कि पीएम मोदी एंजेला मर्कल से हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हाथ ही नहीं मिला। ये तस्वीर देखिए, इसमें दिखाया गया कि वो हाथ मिलाना चाहते थे और नहीं मिला, इतना एडिट करके डाल दिया। 5 सेकंड के इस वीडियो को कट करके वायरल किया गया। सच्चाई क्या थी, वीडियो पूरा देखने पर साफ हो जाता है। मोदी, पीएम मोदी ने जब एंजेला मर्कल की ओर हाथ बढ़ाया तो एंजेला मर्कल ने उन्हें दोनों देशों के झंडे के पास आने के लिए इशारा किया, क्योंकि फोटोग्राफर वहां पर खड़े थे जिन्हें हाथ मिलाते हुए तस्वीरें खींचनी थी। लेकिन कट 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 और काटो छाटो और बांटो, बांटो मतलब आगे बढ़ाओ। इसी तरह आपको दूसरे नेताओं के बारे में भी दिखाता हूं। यह आजकल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल हथियार है, सिर्फ नरेंद्र मोदी इसके अकेले शिकार नहीं है। इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो है जिसमें उन्हें यह कहते हुए दिखाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार अच्छी चीज है, हमें भी भ्रष्टाचार में हिस्सा मिलता है। अब वो पहले वीडियो देखिए फिर आगे की बात बताता हूं। भ्रष्टाचार अच्छी चीज है, चलते रहना चाहिए, हमें भी मिलता है उसमें से। भ्रष्टाचार अच्छी चीज है, चलते रहना चाहिए, हमें भी मिलता है उसमें से। अब यह वीडियो भयंकर वायरल किया गया कि देखिए केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अच्छी चीज है, हमें भी उसमें से मिलता रहना चाहिए। सच्चाई यह है कि इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल के बयान को अधूरा दिखाया गया। केजरीवाल ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अच्छी चीज है, चलते रहना चाहिए। एक बार उनका पूरा बयान सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे काटो छाटो और फिर आगे बांटो का खेल उनके साथ हो गया। कोई ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री जितने लिख रहे हैं मेरे खिलाफ, कोई ये नहीं लिख रहा कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, कोई नहीं लिख रहा, कहते भ्रष्टाचार अच्छी चीज है, चलते रहना चाहिए, हमें भी मिलता है उससे। फ्री भी बंद होनी चाहिए, किसी ने ये भी नहीं लिखा कि नेताओं की फ्री भी बंद होनी चाहिए। पूरा बयान क्या था, कहां से काटा और आगे फैलाया कि देखो केजरीवाल तो भ्रष्टाचार को में से हिस्सा लेते हैं। यह है आजकल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल हथियार, और आपके पास व्हाट्सएप पे धब से गिरेगा। आप कहे अरे देखो ये बोले मोदी जी, ये देखे बोले केजरीवाल जी, तुरंत देखा और फॉरवर्ड मार दिया आगे, फैल गया। आपको राहुल गांधी का एक बयान सुनाता हूं, ये भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आपको सुनकर लगेगा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मशीन में इधर से सोना डालो, आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। आपने शायद वीडियो देखा भी होगा, एक बार पूरा देखिए फिर आगे की बात बताता हूं। ऐसी मशीन लगाऊंगा इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो
उस साइड से सोना निकालो। अब ये तो बहुत वायरल होता है और बहुत वायरल है भी कि राहुल गांधी तो आलू डालते हैं सोना निकालते हैं। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी के इस बयान को सोशल मीडिया पर आधा दिखाया गया, पूरा बयान भी आपको एक बार सुनवा। ऐसी मशीन लगाऊंगा इस साइड से आलू घुसेगा उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। हालांकि वो भी जो फैला रहे थे वो गड़बड़ ही था, लेकिन जिसने काट छांट की उसने उसको और गड़बड़ करके फैला दिया। सोशल मीडिया पर इसी तरह से फेक न्यूज फैलाई जाती है और हर पॉलिटिकल पार्टी आजकल इसको हथियार बनाकर इस्तेमाल करती है, क्योंकि एक बार आपने छवि को डेंट कर दिया तो फिर लोगों के दिमाग में परसेप्शन चेंज हो जाता है। सोशल मीडिया की ताकत कितनी आप इस बात से समझिए कि 2021 के आंकड़ों के मुताबिक, 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1.2 बिलियन यानी करीब 120 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर है, मोबाइल सब्सक्राइबर है। तो आपके पास अगर आपने ये कट इधर उधर लगाया और कोई वीडियो बना लिया तो आपके पास सीधे 120 करोड़ लोगों तक पहुंचने की ताकत है। इसमें से 750 मिलियन यानी करीब करीब 75 करोड़ लोग, इनके पास स्मार्टफोन है। तो आपके पास 75 करोड़ लोगों के पास अपना ऐसा कोई एडिटेड वीडियो पहुंचाने का हथियार मौजूद है। और 2026 तक के लिए उम्मीद है कि 100 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन होगा 2026 तक, और तब तक 5G भी आ चुका होगा। तो अगर आपने ऐसा कोई एडिटेड वीडियो बना लिया तो आप सोचिए कि 100 करोड़ लोगों तक आप वो झूठ, भ्रम और फेक न्यूज फैला सकते हैं। गांवों में बढ़ोतरी 6% की है, शहरों में 2.5% की, यानी हर हाथ में मोबाइल है। और ऐसे में आज की तारीख में किसी झूठ को फैलाना इतना आसान काम है जितना पहले कभी नहीं रहा, और देश के लिए बड़ा घातक है। नेताओं पर फेक न्यूज इसलिए भी फैलाए जाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का चुनावों पर बड़ा असर होता है। एक सर्वे के मुताबिक 2014 के मुकाबले 2019 के चुनाव में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कई गुना बढ़ा। 2019 में देश में 15 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर थे और 30% वोटर सोशल मीडिया से प्रभावित हुए। कुल वोटर्स में से 50% वोटर्स तक सोशल मीडिया के जरिए संदेश पहुंचा। तो आप जो ये देख रहे हैं कि इधर से कट मारो, इधर से कट मारो और झूठ फैला दो, ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही नहीं कर रही। उनको पता है कि सोशल मीडिया पर आजकल चीजें लोगों तक आसानी से पहुंचती हैं, फर्स्ट टाइम वोटर वहां पर है, उसके दिमाग में अगर ये बात घुस गई जो मैं घुसाना चाह रहा हूं, यानी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई कहे कि वो घुसाना चाह रही है, तो फिर उनका काम आसान हो जाता है। और इसका एक बड़ा उदाहरण आपको देता हूं। अब आपको पीएम मोदी का 2014 का एक बयान सुनवाता हूं। इसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि अगर काला धन वापस आ जाता तो देश के गरीबों को, आपने वो बयान सुना है कि भाई सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए देंगे, वो वाला बयान। उसका सच क्या है जरा सुनिए एक बार। हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में
15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन कि काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस बयान में विदेशों में कितना काला धन है उसकी संख्या समझाने के लिए या कितना है ये समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर कहा कि इतना है कि मान लो अगर आ जाए तो और वो एक एक को 15-20 लाख रुपया मिल जाए, वैसा इतना पैसा है वहां। उन्होंने कहा कि विधायक साहब कह रहे थे कि यहां पर रेलवे ट्रैक बिछ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे ट्रैक बिछ जाएगा, इतना पैसा काला धन जो है वो विदेश में पड़ा हुआ, उसको क्वांटिफाई करने के लिए कहा। लेकिन इसको घुमा फिरा कर क्या बनाया गया कि नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख डाल देंगे। बोला है, सुना ना आपने, बोला है कहीं पे कि 15-15 लाख डाल देंगे। अब तक एडिटेड ऑडियो वीडियो आधा ऑडियो वीडियो ऑडियो वीडियो को गलत संदर्भ में दिखाकर फेक न्यूज फैलाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से डीप फेक ऑडियो वीडियो का भी चलन तेजी से बढ़ा। अब डीप फेक क्या है वो सुनिए, इसका अलग लेवल है। डीप फेक सच को झूठ बना सकता है और झूठ में सच बना सकता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक की मदद से किसी के ऑडियो पर किसी दूसरे का वीडियो लग सकता है, किसी भी व्यक्ति की आवाज भावों को किसी दूसरे के चेहरे से बदला जा सकता है जो सच जैसा लगने लगे। इसका एक उदाहरण आपको दिखाता हूं, समझ में आएगा। कभी काली रतियां कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। तो ये डीप फेक का एक उदाहरण है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव ऐसा लग रहा है कि एक साथ गाना गा रहे हैं, असली जैसा भी लग रहा है, लेकिन असली है नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये फेक वीडियो बनाया गया। इसी तरीके से फेक वीडियोस के जरिए बहुत कुछ हो सकता है आने वाले वक्त में जब तकनीक और आगे बढ़ जाएगी, इसलिए जरा सतर्क रहिए। राजनीति के सबसे खतरनाक हथियार फेक वीडियो फेक न्यूज से सतर्क रहिए, और कोई भी वीडियो आ जाए किसी भी नेता को लेकर धप से फॉरवर्ड मत कीजिए और धप से यकीन भी मत कीजिए। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चलते हैं। कोटा से आई ये तस्वीरें बारिश से आई तबाही के तांडव की कहानी बता रही हैं। कोटा बैराज डैम के 11 गेट खोलकर 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो चंबल रिवर फ्रंट के यहाँ दो क्रेनें डूब गईं। बताया जा रहा है कि ये दो क्रेन रेस्क्यू के लिए किनारे पर लाई गई थी, लेकिन कुदरत का कहर देखिए, रेस्क्यू के लिए लाई गई क्रेन को खुद ही रेस्क्यू कराने की नौबत आ गई। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरी की पूरी क्रेन पानी में डूब गई। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने का असर शहर के अंदर भी दिखने लगा है। यहाँ शहर के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। देखिए कैसे इस अंडरपास के नीचे 5 से 6 फीट पानी भर गया, जिसके बाद ये कार इसमें फंस गई। कार पानी में पूरी तरह डूब चुकी थी, तभी कार को निकालने के लिए कुछ लोग इस गहरे पानी में उतर गए और कार को धक्का देकर गहरे पानी से बाहर निकाला गया। बारां में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि यहां अस्पताल आने जाने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां कार में एक 70 साल के बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी नदी का पानी बढ़ने के चलते कार को इस किनारे पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद महिला को चारपाई पर लेटाकर नदी पार करवाई गई। देखिए कैसे 70 साल की महिला को 6 फीट पानी के बीच चारपाई पर लेटाकर लोग नदी पार करवा रहे हैं। अस्पताल के रास्ते में पार्वती नदी पड़ती है, जो इन दिनों बरसात होने पर उफान पर है। युवक उपनाती नदी के बीच जान जोखिम में डालकर महिला को लेकर निकलते हैं। कछावन से गुजर रही पार्वती नदी में
6 फीट तक पानी आया हुआ है। गुलाब बाई नाम की बुजुर्ग की बुखार होने के चलते रविवार से ही देर रात तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल पहुंचना बेहद जरूरी था। ऐसे में सोमवार को सुबह गांव के युवाओं ने देसी जुगाड़ कर गुलाब बाई को नदी पार करवाया।